सब्सक्राइब कीजिए मेरा रेल नोट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे और एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्ल्ड के कुछ पावरफुल लोकोमोटिव्स के बारे में, और साथ ही साथ जानने वाले हैं कि सभी पावरफुल लोकोमोटिव को दो लोकोमोटिव को जोड़ के ही बनाया गया है या नहीं। जैसा कि हमारे भारतीय रेल का वैग 12 या वैग 11। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव्स में एक नजर डालें तो हमें धीरे धीरे अपना क्वेश्चन का आंसर मिलने लगेगा। दोस्तों, स्वीडिश रेलवे मालमबानम लोकोमोटिव, जिसका रेटेड आउटपुट पावर 9655 HP की है, जिसे कि विक्टर बैरोन जोसेफिना के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिंगल लोकोमोटिव का ही यूज किया गया है। स्विट्जरलैंड की SLM 606 मोटिव, जिसकी रेटेड आउटपुट पावर 9705 HP की है, जिसमें सिंगल लोकोमोटिव का यूज किया गया है। दोस्तों स्विट्जरलैंड में गुड्स की मेजर सप्लाई के लिए एक पावरफुल लोकोमोटिव की जरूरत थी, इसीलिए वहां पे SLM 8/14 लोकोमोटिव को बनाया गया, जिसकी रेटेड आउटपुट पावर 10255 HP की है। दोस्तों, यह लोकोमोटिव एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है, जिसे दो लोकोमोटिव को जोड़कर बनाया गया है। रशिया की सिनारा GT1 S लोकोमोटिव, जिसकी रेटेड आउटपुट पावर 11285 HP की है, इसे भी दो लोकोमोटिव को जोड़कर बनाया गया है। रशिया का ही नोवोचेरकास VL85 लोकोमोटिव, जिसकी रेटेड आउटपुट पावर 12050 HP की है, जिसे भी दो लोकोमोटिव को जोड़कर बनाया गया है। चाइना का डेटन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जिसकी रेटेड आउटपुट पावर 13410 HP की है, यह भी एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है। दोस्तों, रशिया का ही लोवोचेरकास UV5 के लोकोमोटिव, जिसका रेटेड आउटपुट पावर 17,838 HP की है, दोस्तों ये भी एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 10,000 HP से जितना भी ऊपर लोकोमोटिव है वह एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है, मतलब कि इन्हें दो लोकोमोटिव को जोड़कर बनाया गया है, क्योंकि सिंगल लोकोमोटिव को इतने हॉर्स पावर के बनाने से वह साइज में ज्यादा बड़े हो जाएंगे, उसके कारण लोकोमोटिव के ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगी, साथ ही साथ लोकोमोटिव का वेट भी बढ़ जाएगा, और इसके साथ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 10,000 HP से ऊपर वाले लोकोमोटिव को हम सिंगल लोकोमोटिव में करें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे इस चैनल। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास इस वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो फिर वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।